Hello kids, welcome to Chemistry Gyan channel. Our today's topic is electrolytic conductance. In last video we have already discussed the Arrhenius theory of electrolytic conductance and factors affecting degree of ionization. तो हम किसी भी तरह की कंडक्टेंस की बात करें तो ये लोग ये दोनों तरह की कंडक्टेंस ओम्स लॉ फॉलो करते हैं. दे फॉलो द ओम्स लॉ. एंड व्हाट इज ओम्स लॉ? V वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, I इज करंट. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो R आता है. R इज अ कॉन्स्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. वॉट इज इट्स यूनिट? ओम, एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट मेनी टाइम्स, एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन ग्रेड 10. ओके, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, कॉन्स्टेंट आया रो. रो को क्या कह सकती हूँ? स्पेसिफिक रेजिस्टेंट. Suppose in the exam if the question come, what is specific resistance? So how will you define specific resistance? If you have taken L is equal to 1 centimeter, area is equal to 1 centimeter square, तो R किसके बराबर हो जाता है? Rho. R is equal to rho. तो कैसे define करेंगे? That specific resistance is equal to the resistance when if the length of wire is equal to 1 centimeter and area is 1 centimeter square. तो रो की यूनिट क्या हो जाती है? रो ओम सेंटीमीटर. दिस इज अ यूनिट ऑफ रो. ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कप्पा. तो हम इसमें एक अलग एक ऐड ऑन कर रहे हैं. इस रो का मैं ऑपोजिट ले रही हूँ. रो इज इक्वल टू 1/k, या मैं कह सकती हूँ k इज इक्वल टू 1/ρ. तो k जो है यहाँ पर, दैट इज कप्पा, नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस. सो दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ. अभी हम इसी के आगे चलेंगे. अभी हमने बात कर ली है रो की, ओम्स लॉ की, ये सब बात हो गई है. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड के. के इज कप्पा. तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. ये रिलेशनशिप हम पहले ही पढ़ चुके हैं जहाँ पे हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की थी. इस रो की जगह मैं लिख सकती हूँ 1/k. अभी मैंने आपको बताया रो इज इक्वल टू 1/k. रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस. इस के को मैं इधर ले गई. आर इंटू के इज इक्वल टू एल अपॉन ए. अब इस एल अपॉन ए को मैं कह सकती हूँ सेल कॉन्स्टेंट. इसको मैं डिनोट कर रही हूँ जी स्टार से. तो आर इंटू के इज इक्वल टू जी स्टार. इस वैल्यू को मैंने एल जी स्टार को सब्सटीट्यूट कर दिया इस एल अपॉन ए की जगह. तो ये हो गया. तो नाउ यूनिट्स ऑफ कप्पा. कप्पा की यूनिट क्या हो सकती है? रो इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या रो इनवर्स को कह सकती हूँ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. आप ऐसे भी लिख सकते हैं एस सेंटीमीटर इनवर्स सीमेंस. मैंने आपको बताने के लिए, लर्न करने के लिए इसको सीमेंस यहाँ लिखा है. द नेक्स्ट कंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर मैं उसमें इक्विवेलेंट वर्ड जोड़ रही हूँ तो इसका मतलब मैं जो इलेक्ट्रोलाइट लूँगी वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रही हूँ. यहाँ पर डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तभी उसका नाम क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सॉल्यूशन डिनोटेड बाय लैम्डा ई. तो यहाँ तक हुआ हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. टू अंडरस्टैंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वी हैव टेकन अ क्यूब जिसके अंदर हमने ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ले रखे हैं मेटेलिक इलेक्ट्रॉड, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर. इफ़ यू हैव टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर मैं उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेती हूँ जिसकी वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेती हूँ जिसके अंदर उसका वॉल्यूम है 1 ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी का, ठीक है, तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस. और अगर मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रही हूँ तो उस केस में कंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाती है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. एज वी हैव डिफाइंड अर्लियर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तभी बन जाएगा जब आप वॉल्यूम लेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट. तो हम कह सकते हैं उस केस में कंडक्टेंस जो होगी वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इक्वल होगी. सपोज इफ वी डाइल्यूट द सॉल्यूशन 1 ml टू 9 ml, सो हाइपोथेटिकली इट मींस दैट वी हैव डिवाइडेड द क्यूब इनटू 9 पार्ट्स कंटेनिंग 1 ml ईच. तो उस केस में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो सेम रहेगी, राइट? लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, जैसा कि मैंने यहाँ कहा था 1 cm³ की बात कर रही थी मैं जब, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगी 1/9th part, राइट? 1/9th part. तो k इज इक्वल टू 1/9, कप्पा इज इक्वल टू 1/9.
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू 9 × k, मतलब 9 times ऑफ दैट कंडक्टेंस. तो अगर मैं लैम्डा ई को डिफाइन कर रही हूँ तो के इंटू वी, वी की जगह मैंने सब्सटीट्यूट करा 1000 upon कॉन्सेंट्रेशन. अगर कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैं लिख रही हूँ कि 1 gram इक्विवेलेंट लिया है तो एन लिख सकती हूँ मैं उसकी जगह. तो ये आ जाता है हमारा रिलेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, के इंटू 1000 upon n. इसकी यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स. ये आपको सबको यूनिट निकालना आता ही है. तो द सेम थिंग, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स. अगर मैं इसी की जगह मोलर कंडक्टेंस की बात करती हूँ तो उसका मतलब मैं अब यहाँ पर नॉर्मैलिटी की जगह क्या लिख दूंगी, एम, के इंटू 1000 upon m. तो यूनिट बदल कर हो जाती है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो अभी मैंने ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या कर दिया, मोल इनवर्स. अब एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस का रिलेशनशिप क्या है, जिससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन एन. व्हाट इज एन, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस.